ये देखिए वेट है, तो देखते हैं भाई ट्रैक्टर कितना गियर के अंदर चढ़ाई में चढ़ेगा। बिल्कुल नया रैंप बना हुआ है, आपको अभी बिल्कुल नजदीक से वो टूटा हुआ हुक है वो दिखाता हूँ आपको मैं। ये देखिए ये है, ये टूट गया यहाँ से, ठीक है ना, ये क्रैक लग गया तो ये टूट गया, ठीक है। और नीचे भी सेफ्टी के लिए प्लेटें भी लगा रखी है, यहाँ पे लगी होती है इसके नीचे और ऊपर दोनों साइड में, ताकि ट्रैक्टर है वो ज़्यादा ना उठे। फिर भी ये टूट गया, ठीक है ना। सुबह सुबह लगभग 5-6 हज़ार रुपये का नुकसान हो गया। और अभी ये भाई लोग है ना ये निकाल रहे हैं इसको, उसको बाहर निकाल रहे हैं, ये देखो, क्योंकि नया लेके आना पड़ेगा ना, अभी इस ट्रॉली को ना खाली करना पड़ेगा, क्योंकि जेसीबी से ना ये आगे से नहीं उठेगी और भाई ट्रैक्टर से भी है वो आगे से नहीं उठेगी, क्योंकि 200 क्विंटल वेट है इसके अंदर ना, इसकी वजह से ये नहीं उठेगी। तो इसको खाली करके फिर उकनिया ला के इसके अंदर डालना पड़ेगा और फिर उसके बाद में वापस है वो इसको भरवाना पड़ेगा, फिर ये गेड़ा लेके जाएगा भाई। सुबह सुबह नुकसान हो गया भाई 5-6 हज़ार रुपये का, तो भाई गलती हुआ है भाई के साथ, बधाई कर रहा है यहाँ पर भाई। तो भाई कोबोटा वाला भाई है वो कर रहा है अभी हुक का इंतजार, और भाई ये टूटा है ना, ये गलती टूटा है भाई, क्योंकि अगर नुकसान नहीं होता ना तो अभी 2 गेड़े और लगा देता ये भाई, ठीक है ना। तो ये इस नुकसान की भरपाई है वो 1-2 दिन के अंदर वो नहीं हो पाएगी, ठीक है ना। तो भाई वीडियो को दबा के शेयर कर देना ताकि और भाई भी देखे, तो उनको भी पता चले भी इस कमी की वजह से वो ट्रैक्टर का हुक है वो टूटता है। पसंद आए तो दबा के शेयर कर देना, फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, मिलता है, बाय बाय।